मुझे आज इस मौजू पर लफ्ज़ शायर करने का मौका मिला है, वो है योमे इकबाल। लमा इकबाल ना मुसलमानों के अजीम स्कॉलर और अजीम एक अजीम परहेज का इंसान। लमा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में पैदा हुए। अपने मदरसा शहर सियालकोट से तालीम का आगाज किया। लमा इकबाल ने इब्तदाई तालीम कराची इब्तदाई तालीम जनवरी प्राइमरी स्कूल से हासिल की। लमा इकबाल अपने कामों की वजह से माहिरीन ने इन्हें शायर मशीर तस्लीम किया। लमा इकबाल ने 1930 में सियासत में शमूलियत इख्तियार की। लमा इकबाल ने अपने प्यारे उस्तादा सैयद हुसैन से अरबी कुरान और अरबी जुबान सीखी और निजी उस्ताद से शायरी करना सीखा। 1898 में मरे कॉलेज से एफ ए की डिग्री हासिल की। जर्मनी में 1899 में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफे की जूनियर प्रोफेसर के तौर पर मुंतखब हुए और उन्होंने निजी उस्ताद से शायर सीखने का आगाज किया, जो एक अजीम परहेजगार इंसान थे। लमा मोहम्मद इकबाल ने कुछ किताबें लिखी और कुछ किताबों के नाम ये हैं: शायर खुदी और मुजब्बर खुदी, जामे मशरिक, बांगे दारा और लाल जबीर। लमा एक बीमारी में मुबतला रहने के बाद लमा इकबाल का इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को हुआ। शुक्रिया। क्या है